ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एयर बैग सिस्टम। तो देखिए, एयर बैग हमारे सेफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट डिवाइस बनाई गई है कंपनी निर्माता ने। उस कंपनी निर्माता के अनुसार एयर बैग सिस्टम में कई सारे डिवाइस देके इलेक्ट्रिकल सिस्टम से उसको ऑपरेटिंग करके, उसके सेंसर को ऑपरेट करके उसको बनाया गया है। और एयरबैग कैसे काम करता है और कैसे खुलता है, स्टीयरिंग पे है, पैसेंजर साइड पे है और सनरूफ पर भी मिलेगा। जैसे आधुनिक गाड़ियों में उनके हिसाब से एयरबैग देखोगे तो पहले में एक ही मिलता था एयरबैग स्टीयरिंग पर, जैसे सेफ्टी के हिसाब से, जैसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना हुई तो उन्होंने एयरबैग की संख्या बढ़ाई, एयरबैग की संख्या बढ़ा के फिर दे दिया पैसेंजर में, पैसेंजर में एयरबैग भी दिया और सामने ही डैशबोर्ड के सामने लगा दिया। जब ये इंपैक्ट सेंसर है स्पीड से जाएगा वाहन और 180 डिग्री वाहन के सीधे से टक्कर लग जाएगी, तब ये एयरबैग खुलेगा और खुलते ही सबसे पहले ये सेंसर एक्टिव होगा, इंपैक्ट सेंसर, फॉरवर्ड इंपैक्ट सेंसर एक्टिव होगा और ये एक्टिव होते ही 12 वोल्ट की सप्लाई एम्पियर में लेके उसको एटीएम तक भेज देगा और एटीएम उसको ऑपरेट करेगा एयरबैग मॉड्यूल को। एटीएम इसको ऑपरेट करेगा एयरबैग मॉड्यूल को। सेकेंड में कुछ माइनर हिस्से में, एक सेकेंड के 50वें हिस्से में इसको ऑपरेट करके सिग्नल दे देगा। सिग्नल देते ही एयरबैग ओवर आ गया और एयरबैग खुल जाएगा। मानो एयरबैग खुलते ही इतनी तेज आवाज आएगी कि ड्राइवर पैसेंजर डर जाएगा। और ये एयरबैग की कंडीशन जब भी खुलेगा, जब हमारी फ्रंट और सेंटर लॉक लॉक होगा, सीट बेल्ट लगा होगा, प्री टेस्टनर काम करता होगा, प्री टेस्टनर के साथ में फॉरवर्ड सेंसर, इंपैक्ट फॉरवर्ड सेंसर काम करता होगा, एसडीएम काम करता होगा, ये काम करने के पश्चात ही आपका एयरबैग खुलेगा अन्यथा नहीं खुलेगा। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, एयरबैग नहीं खुलेगा। व्हीकल का फ्रंट डोर खुला हुआ है, एयरबैग नहीं खुलेगा। व्हीकल का इमोबिलाइजर सिस्टम सही कंडीशन में ऑपरेटिंग नहीं है, नहीं खुलेगा एयरबैग। और अगर व्हीकल के इस साइड में लगता है और इस साइड में लगता है, एक्सीडेंट इस साइड से होता है तो उसके कुछ एंगल के बाद में वो नहीं खुलेगा। इधर भी उस एंगल है, उस एंगल के बाद में वो निकलेगा और पीछे से लग रहा है तो भी नहीं खुलेगा। तो इनका डायरेक्शन है 180 डिग्री तक ही, यहाँ से यहाँ तक इस दायरे में ही सामने से टक्कर होने पर वो एयरबैग खुलेगा और उस कंडीशन में उसमें से जो नाइट्रोजन गैस होगी वो बाहर आ जाएगी बहुत तेजी से और वापस सिकुड़ के अंदर चला जाएगा। इसी के साथ में एयरबैग लॉक हो जाएगा, वही प्री टेस्टनर लोड के साथ में लॉक हो जाएगा
और जो यात्री और पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सेफ तरीके से बाहर निकल जाएंगे। एक बार एयरबैग सिस्टम पूरा खुलने के बाद इस पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा, अन्यथा दोबारा एयरबैग काम नहीं करेगा। एसडीएम को चेंज करना होगा, फॉरवर्ड इंपैक्ट सेंसर को चेंज करना होगा, एयरबैग मॉड्यूल को चेंज करना होगा, कॉन्टैक्ट कॉइल को चेंज करना होगा, ये और दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड के सीट बेल्ट को चेंज करना होगा, तभी दोबारा ये एयरबैग खुलने का प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है सर।